आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का ये अपना लास्ट टॉपिक है। इसके बाद नगरपालिका अधिनियम में कोई टॉपिक नहीं है, योजनाएं अपन ने चालू कर दी हैं, उसके बाद चार जो नियम हैं वो और चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम जो है वो 2009 का है, इसके अंदर अपन अध्याय पढ़ रहे हैं 14 का। 14 का अध्याय या नियंत्रण, नियंत्रण का खुला इन्होंने विस्तृत नहीं किया। नियंत्रण का मतलब है कि राज्य सरकार का नियंत्रण, किसका नियंत्रण, राज्य सरकार का, राज्य सरकार का नियंत्रण। राज्य सरकार नगर पालिकाओं पर कैसे नियंत्रित करती है, कैसे नियंत्रण करती है, कमांड कैसे बढ़ाती है, वो देखते हैं। जो अपने धारा है 209 से स्टार्ट होती है, 209 में दे रखा है कि निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, निर्देशक दे रखा है, उपनिदेशक दे रखा है और सहायक निदेशक की नियुक्तियां और शक्तियां, ये सब करने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है। तो राज्य सरकार क्या करेगी, पहले तो राज्य सरकार जो है वो राज्य सरकार जो है किसी भी अधिकारी को, किसी भी अधिकारी को, कोई भी अधिकारी हो, चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो, पदनाम उसकी रैंक होती है, पदनाम कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, पदनाम कुछ भी हो, जैसे कलेक्टर साहब को बना दिया, डिप्टी कलेक्टर साहब को बना दिया, फिर एसडीएम साहब को बना दिया, या कोई और ऊपर के जो अधिकारी हैं, नीचे के अधिकारी हैं उनको बना देती है, लेकिन तहसीलदार से नीचे को बनाती नहीं है, है ना। तो राज्य सरकार किसी भी अधिकारी को जिसका पदनाम कुछ भी हो क्या बना देती है, निदेशक बना देगी, निदेशक बनाएगी। आगे बोला गया है उपनिदेशक बनाएगी, उपनिदेशक बनाएगी। उसके बाद बोला गया है सहायक निदेशक बनाएगी, सहायक निदेशक, निदेशक बनाएगी, बनाएगी, ठीक है। ये क्या होंगे, ये इनकी नगरपालिका की समय समय पे जांच करेंगे, चाहे वो कहीं का हो, जैसे जयपुर के एसडीएम को उठा के चिड़ावा का क्या बना सकते हैं, निदेशक, उपनिदेशक या सहायक निदेशक बना सकते हैं, ठीक है। ये राज्य सरकार की पावर है, यहाँ पे राज्य सरकार का नियंत्रण दिया गया है कि नगरपालिकाओं पे राज्य सरकार का नियंत्रण क्या है। आगे बोला गया है कि इनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, शक्तियां, और ये जो अधिकारी होंगे ये अपने शक्तियां और कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो राज्य सरकार इनको, स्टेट गवर्नमेंट इनको शक्तियां और कर्तव्य देगी ना, शक्तियां इनको पावर देती है प्लस कर्तव्य, कार्य देती है, ठीक है, कर्तव्य देगी, उनका पालन करेंगे, उनका पालन जो है वो ये अधिकारी करेंगे, ठीक है। ये बात इस अधिनियम में मात्र इतनी कही गई है कि राज्य सरकार किसी भी अधिकारी का पदनाम जिसका कुछ भी हो, निदेशक, उपनिदेशक या सहायक निदेशक बनाएगी, जब इनको ये बना देती हैं तो राज्य सरकार इनको शक्तियां देगी और कर्तव्य जो होंगे उनका पालन करना पड़ेगा, ठीक है। अगली धारा के अंदर दे रखा है 310 के अंदर, 310 के अंदर दे रखा है कि निरीक्षण करेंगे और उसका पर्यवेक्षण करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, जो ये जो अधिकारी नियुक्त होते हैं, निदेशक, उपनिदेशक या फिर सहायक निदेशक, राज्य सरकार इनको नियुक्त कर देगी, ये आदमी काम क्या करेंगे, इनको क्या शक्तियाँ दे रखी है, काम करने की शक्तियों के बारे में बोला गया कि राज्य सरकार के सामान्य और विशेष आदेश पर नियुक्त होंगे के प्राधिकृत अधिकारी होंगे, नियुक्त कैसे होंगे, या तो सामान्य आदेश से या फिर विशेष आदेश राज्य सरकार इनको नियुक्त करेगी, तब इनको क्या शक्तियाँ देगी, शक्तियाँ देगी कि नगरपालिका के नियंत्रण, नगरपालिका के नियंत्रण में, प्रबंधन में, उसकी जो संस्थाएं होती हैं नगरपालिका की, वो किस टाइप से काम कर रहे हैं, यदि स्थावर संपत्ति कोई काम चल रहा है कहीं पे, स्थावर संपत्ति कोई जमीन होती है और उसके ऊपर कोई काम चल रहा है तो उसका निरीक्षण भी करेंगे ये लोग, और वहाँ पे प्रवेश भी कर सकते हैं, वहाँ पे प्रवेश करके देखेंगे कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यदि नगरपालिका के नियंत्रण का कोई काम है तो, ठीक है। आगे बात आती है कि नगरपालिका की समिति, जो भी अपने देखे हैं वित्त समिति वगैरह, या दस्तावेज होते हैं नगरपालिका के, या उनकी कोई रिपोर्ट होती है या उनका रिकॉर्ड होता है, लिखे होते हैं, उनकी रिपोर्ट क्या करेंगे, ये पहले तो खुद देखेंगे, देख के राज्य सरकार को भेज देंगे। आगे कह रहा है कि नगरपालिका से किसी काम नहीं करने पर, नगरपालिका यदि कोई काम नहीं करती है तो ये अधिकारी जो आएंगे ये पूछेंगे भाई आपने काम कैसे नहीं किया, इसका नोटिस दो आप, और ये अपनी जो शक्तियां और कर्तव्य जो होंगे वो एसडीएम से नीचे के अधिकारी को नहीं देंगे, मतलब एसडीएम से नीचे के, तो देख लो भाई आप लोग पहला प्रमोशन यही है आपका, और आप इससे ऊपर के अधिकारी को ही अपने, जो प्रत्यायोजित करने का मतलब क्या होता है, एक प्रत्यायोजन का नाम आता है, क्या होता है ये होता है, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ, टीम मैनेजमेंट हूँ मैं, और मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ये काम क्या होता है कि मेरे बस की बात नहीं आ रही, मैं दो आदमियों को और बांट दिया कि भाई एक आदमी जो है वो पैसे लेने का काम करेगा और एक देने का काम करेगा, तो ये जो बांटना होता है ना, कार्यों को बांटना, उसी को बोलते हैं प्रत्यायोजन, और ये अपना जो काम बांटेगा किसके साथ बांटेगा, कम से कम एसडीएम रैंक का अधिकारी होना चाहिए, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट होता है, उपखंड अधिकारी इसको बोलते हैं, तो ये जो है इनके पास जुडिशरी पावर होती है तब ये मजिस्ट्रेट हो जाते हैं, और इनके पास यदि सिविल पावर होती है तो एसडीओ हो जाते हैं, सब डिवीजन ऑफिसर हो जाते हैं, ठीक है।
अगली जो 311 की जो धारा है उसमें बोला है कि नगरपालिका कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति किसको होगी, जो निदेशक उपनिदेशक और सहायक निदेशक जो नगरपालिका चुन लेती है 309 के अनुसार उनको क्या कर लेगी, मतलब राज्य सरकार उसको भेज देती है, या तो उसकी नियुक्ति करके भेजती है या प्राधिकृत करके भेजती है, उसको अधिकार दे के भेज देती है, ठीक है। किसी भी नगरपालिका के, कोई भी नगरपालिका है उसके, किसी भी नगरपालिका का जो मतलब कोई भी जैसे सहायक निदेशक आ गया या निर्देशक आ गया तो वो केंद्र सरकार मतलब राज्य सरकार का आएगा, राज्य सरकार का आएगा तो वो ये जरूरी नहीं कि वो चिड़ावा की जांच करे, नहीं, वो चिड़ावा की जांच करता करता वो कब अपने जयपुर में फागी की भी जांच कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो किसी भी कार्यालय का, किसी भी नगरपालिका के कार्यालय का, मतलब पूरे राज्य के अंदर कोई भी नगरपालिका है उस कार्यालय का निरीक्षण करेगा, लेकिन हाँ उसको राज्य सरकार या तो नियुक्त करे या उसको अधिकार दे, ऐसा नहीं कि वो यूं ही जाके चुंदा ही जाके खड़ा हो जाए, ऐसे नहीं खड़ा होगा, ठीक है। आगे बोला है कि वो उनका निरीक्षण कर लेगा, कार्यालय देखेगा उनके रिकॉर्ड वगैरह सारे खाते वगैरह देखेगा और वो राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा, यदि अभिलेख और वो सारे अभिलेख जो रिकॉर्ड होते हैं उनके वो अभिलेख भी देखेगा, ठीक है। अगली धारा है 312 में कहा गया है कि नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को, नगरपालिका यदि कोई आदेश निकाल देती है ना, उसका निष्पादित कर देती है तो उसको निलंबित करने की शक्ति किसकी होगी, जो राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी होंगे, राज्य सरकार उनको भेजेगी उनके पास। यदि राज्य या राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी को लगे कि नगरपालिका है ये कोई हानि का काम कर रही है, क्षोभ का काम कर रही है या कोई शांति भंग का काम कर रही है, हानि क्षोभ शांति भंग का कार्य कर रही है या कोई विधि विरुद्ध काम कर रही है या अहितकर काम कर रही है, जनता के जो अहित का काम कर रही है, तो उस कार्य को रोक देंगे और निलंबित कर देंगे कि भाई ऐसा काम आपको नहीं करना है। अधिकारी जो है ऐसा आदेश निकालेगा ना काम रोकने का, तो वो दो कॉपियां देगा, एक कॉपी किसको देगा, एक कॉपी देगा वो राज्य सरकार को, दूसरी कॉपी किसको देगा, वो नगर पालिका को देगा कि भाई राज्य सरकार को तो ये जवाब देगा मैंने इस कारण से इसको रोक दिया है क्योंकि ये हानि पहुंचा रहा है, क्षोभ कर रहा है, शांति भंग का कार्य कर रहा है, अहितकर काम कर रहा है, और नगर पालिका को ये देगा भाई आप इसका स्पष्टीकरण दो, आप इसको पास कैसे किया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि राज्य सरकार इस मामले में विवेकाधीन होगी, स्वतंत्र पूर्ण शक्ति उसके पास होगी, वो चाहेगी तो अधिकारी के काम को मान सकती है कि हाँ भाई इसको रोक दिया, या फिर इसमें कुछ बदलाव करके बोल देगी कि इसको ऐसे लागू कर दो, या फिर ये बोल देगी इसको यूं का यूं लागू कर दो, वो पूरी राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो अधिकारी की बात माने या न माने, लेकिन अधिकारी काम को रोक देगा, इतनी सही है। अधिकारी द्वारा पारित आदेश नगरपालिका को उसके विरुद्ध हेतुक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा, हाँ नगरपालिका जो ये एक कॉपी देंगे ना उस कॉपी में लिखा होगा कि भाई आप जो है अपनी सफाई दो कि किस कारण से आपने इस टाइप का काम जो है नगर पालिका के अंदर चालू करने का प्राधिकार प्राप्त किया है, तो उसको अवसर देगा कि हाँ भाई इसकी जो काट छाट करनी है, कुछ सुधार करना है या फिर कुछ इसके अंदर आपका क्या हित इसके अंदर है, नगर पालिका को क्या फायदा है, लोगों को क्या फायदा है, वो बातें आप इसमें बताइए, तो हेतु प्रदर्शन के लिए रखेगा। आगे कह रहा है कि उसके बाद राज्य सरकार द्वारा पुष्टि की जाएगी, राज्य सरकार जो है वो उस जो नियम अधिनियम जो भी है उसकी पुष्टि करेगी, आदेश की पुष्टि करेगी, उसके बाद उसका निरीक्षण करेगी, देखेगी उसको वापस निरीक्षण करेगी और उसके बाद उसको उपांतरित होगा मतलब लागू होगा, ठीक है। अगली धारा है 313। 313 में क्या बोला है कि आपात बोला है, 313 का मतलब क्या होता है, आपात होता है, तो पूछ लिया जाता है कि 313 में क्या है, तो आपात के बारे में, आपात की दशा में असाधारण शक्तियां, यदि मान लो कल कोरोना बीमारी आई थी देश के अंदर तो वहां पे नगरपालिका में भी आई थी, उस टाइम पे आपात ही तो था ना ये, तो आपात के समय में टीडीओ का क्षेत्र हो जाता है, कई जगह परेशान कर लेते, कोई डेंगू महामारी वगैरह कुछ आ जाता है, तो आपात की दशा में असाधारण शक्तियां क्या क्या हैं, पूरी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट के पास होंगी उस टाइम पे, जिला मजिस्ट्रेट किसी भी सहक्रम को या करने की व्यवस्था करेगा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जिला मजिस्ट्रेट आपातकाल के समय में नगरपालिका की सारी शक्तियां कहां मौजूद हो जाती हैं, जिला मजिस्ट्रेट के पास हो जाती हैं, ये सहक्रम करेगा करने की व्यवस्था करेगा, सहक्रम मतलब महामारी के टाइम पे दवाई वगैरह है, पानी वगैरह है, खाना है, दाना है, सब चीज की व्यवस्था करेंगे, यदि जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा का कार्य काम है, जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा का यदि काम है तो नगरपालिका खुद पैसे देगी, वो जो काम करने का आदेश तो कौन दे देंगे, जिला मजिस्ट्रेट, लेकिन ये जो खर्चा कहां से होगा, नगरपालिका निधि से नगरपालिका करेगी, डीजे जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिला मजिस्ट्रेट को ही यहां पे डीजे बोला गया है, तो आपका जिला मजिस्ट्रेट है वो पारिश्रमिक
वो लोगों को मजदूरी भी देगा, यदि कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसमें लोगों को मजदूरी भी देगा, उसके ऊपर वे भी करेगा, खर्चा भी करेगा, और वो संदाय करवाएगा, मतलब दिलवाएगा किससे, नगर पालिका से दिलवाएगा, और नगर पालिका वो देने में प्रतिबद्ध होगी, उसको देना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं उसके पास बचने का, इसलिए वो नगर पालिका निधि बनाई गई है। ठीक है, तो आप लोगों को यदि कोई आपातकाल लग जाता है तो उस टाइम पर काम भी देगी नगर पालिका, आपके ऊपर खर्चा भी करेगी और मजिस्ट्रेट करवाएगा, और वो आपको करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। इस धारा पर अधीन आदेश लागू होंगे, जो इस धारा के ऊपर कोई भी आदेश होंगे, जैसे किसी भी प्रकार का कोई भी आपातकाल होगा, तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के भी आदेश इसके ऊपर लागू होंगे। ठीक है, आगे दे रखी है धारा 314 में दिया है कि आपात समय में नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्यपेक्षाओं, मतलब उनके जो अध्यादेश, सरकार के जो आदेश आएंगे उनका अनुपालन करना, कब करना, आपात के समय, किसको करना, नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए, राज्य सरकार जो भी निर्देश देगी उनका पालन करना होगा। यदि युद्ध हो जाता है, कोई आपात आ जाता है, अकाल आ जाता है, दुर्भिक्ष पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, खतरनाक रोग बढ़ जाता है, या कोई बाढ़ आ जाती है, या कोई मेले का आयोजन हो जाता है, तो या अन्य अवसरों पर काफ़ी लोग, यदि बहुत से लोग जो हैं वो एकत्रित हो, तो नगर पालिका को क्या करना पड़ेगा, तो नगर पालिका व्यवस्था करेगी, किससे करेगी, या तो राज्य सरकार के साधारण जो निर्देश होगा, आदेश होगा, उससे करेगी, या विशेष आदेश से नगर पालिका व्यवस्था करेगी। क्या व्यवस्था करेगी, चिकित्सा की व्यवस्था करेगी, जन स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगी, स्वच्छता की करेगी, टीका, पशु चिकित्सा और विद्युत की व्यवस्था करेगी, जल सहक्रम पानी की व्यवस्था करेगी, पीडब्ल्यूडी के पद धारण करने वाले कोई भी अधिकारी कर्मचारी हैं, या नगर पालिका के कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो हैं, उनको बोलेगी कि आप जो हैं वो तुरंत कोई वैद्य हकीम की भी व्यवस्था कीजिए, कोई वैद्य या मेडिकल जो सुविधा है उसकी भी आप व्यवस्था कीजिए, और जो नगर पालिका के ऊपर मान लो खर्चा हो गया ज़्यादा, प्रभार ज़्यादा आ गया, मतलब वजन ज़्यादा पड़ गया बेचारी के ऊपर, तो क्या होगा कि वो राज्य सरकार निर्धारित कर देगी कि भाई आपके पास 60 रुपये हैं और आपने 60 रुपये खर्च कर दिए, अब और भी तो पैसे चाहिए ना, अतिरिक्त प्रभार जो होगी वो राज्य सरकार दे देगी, मान लो खर्चा हो गया 80 रुपये का, तो वो 20 रुपये जो होगा वो राज्य सरकार दे देगी, तो इस टाइप से जो भी प्रभार निर्धारित करना होगा राज्य सरकार करेगी। ठीक है, अगली धारा जो है 314 में बोला है कि सार्वजनिक सहकर्मों के निष्पादन के लिए अभिकरण अथॉरिटी का गठन होता है, ये सहकर्म के लिए होता है, राज्य सरकार ऐसे अभिकरण या प्रबंध या गठन करेगी, कोई भी कमेटी बनाएगी या अभिकरण बनाएगी जो नगर पालिका के अंतर्गत न आता हो, कि नगर पालिका के क्षेत्र में इस टाइप का कोई काम नहीं हो रहा है, या इस टाइप का कोई नगर पालिका क्षेत्र में नहीं आता हो, राज्य सरकार बनाएगी ऐसे अभिकरण, नगर पालिका उचित समझे तो वो आगे भी बनाए रख सकती है, बतौर शर्त यह है कि खर्चा नगर पालिका को देना होगा। बोला है कि राज्य सरकार जो अभिकरण बनाती है किसके लिए, नगर पालिका के सहक्रम के लिए, सहक्रम के लिए, ठीक है, तो सहक्रम के लिए, नगर पालिका के सहक्रम के लिए जो अभिकरण बनाती है उसका व्यय, कितना भी खर्चा होगा, उसकी तनख्वाह वगैरह जो भी होगी, उसके पर्यवेक्षण, वर्दी वगैरह, खाना पीना, सारा औजार है, संयंत्र जो है वो नगर पालिका को देने होंगे, सारे के सारी चीजें नगर पालिका को देने होंगे। यदि राज्य सरकार नगर पालिका के लिए कोई अभिकरण जयपुर से बना के भेज देती है तो चिड़ाव वाले को देने पड़ेंगे। ठीक है, अकेले राज्य के तो राज्य देगा, अकेले यदि अभिकरण राज्य का है तो राज्य सरकार देगी, तय समय के भीतर नगर पालिका निधि से खर्चा दिया जाएगा, यदि निधि से तय समय से खर्चा नहीं दिया जाता है तो नगर पालिका की जो निधि जिस आदमी के या नगर पालिका का मुख्य अधिकारी के अंडर में रहती है तो उसको ऑर्डर दिया जाता है राज्य सरकार से, भाई इनको जो पैसे हैं वो दो आप, और यदि आप समय में नहीं देते हो तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, उसका ब्याज कितना है, 15% से अधिक नहीं होगा, 15% तक का आपको ब्याज भी उसके ऊपर देना पड़ेगा। तो भाई दोस्तों पढ़ लिया करो, नहीं तो राजस्थान लोक परिवहन की बस भी की है आजकल पकड़ी जा रही है। ठीक है, बस हम अपन बैठने को नहीं, अपन अपनी मेहनत के दम पे रंग लाना है। ठीक है, अगली जो धाराएं आती हैं अपनी 316 के अंदर बोला गया है कि राज्य सरकार द्वारा निष्पादित सहकर्मों के संबंध में विशेष उपबंध, कि राज्य सरकार जो है किसी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर सहकर्म कर रही है तो उसके बारे में विशेष उपबंध बोले गए हैं। क्या बोले गए हैं, कि राज्य सरकार नगर पालिका के परामर्श से कार्य करेगी, कि भाई अब राज्य सरकार को क्या पता, नगर पालिका के लोग हैं वो नगर के बारे में पूरा जानते हैं, मतलब पूरे नगर के बारे में जानते हैं, तो उसे परामर्श करेगी कि भाई आपके नगर में क्या कमी है, क्या चीज़ होनी चाहिए। यदि स्थायी प्रकृति का कोई काम हो, जैसे रोड हो, हॉस्पिटल हो या कोई स्कूल हो, कोई और चीज़ हो, तो इस टाइप के कोई काम हो, यदि स्थायी प्रकृति का सहक्रम हो जो नगरपालिका के बाहर या भीतर, नगरपालिका सीमा के अंदर भी हो और बाहर भी हो, दोनों चीज़ें चलेगी। यदि मामला स्वास्थ्य और सुरक्षा का है
तो का सैक्रम पूर्णतः उसकी कोई ये जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य की बात करते हैं, हॉस्पिटल है उसका मान लो ट्रॉमा सेंटर भी बना सकती है या फिर पूरा का पूरा हॉस्पिटल भी बना सकती है राज्य सरकार, ठीक है। तो पूर्णतः या भागतः उसका क्या करेगी, निर्माण करेगी। कोई भी कार्य नगर पालिका को सौंप सकती है या नगर पालिका से ले भी सकती है कि भाई आप जो है सफाई का काम हमें दो, आपको नहीं दे रहे, तो ले भी सकती है। सौंप भी सकती है कि भाई सफाई के साथ साथ आपको गर्गल पशु गणना भी करनी है, ठीक है, या मानस गणना करनी है या कोई और जो गणना करनी होती है वो सौंप भी सकती है कोई भी काम और ले भी सकती है। राज्य सरकार नगर पालिका राज्य सरकार ये खर्चा कर देगी, हॉस्पिटल बना देगी, वो जो पैसे होते हैं ना वो नगर पालिका निधि से ले लेगी और ब्याज सहित लेगी। ब्याज कितना होगा, वार्षिक 15% ब्याज सहित ले लेगी नगर पालिका का। ब्याज पूछा जा सकता है भाई 15%, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो नगर पालिका निधि से ब्याज सहित राशि ले लेगी जो 15% होगी। धन का संधान नगर पालिका करेगी, पैसे जो हैं वो नगर पालिका को देने पड़ेंगे, चाहे तो खुद से नगर पालिका निधि से दे दो या फिर जो आपको राज्य सरकार से बजट आता है ना तब आपको हिस्सा मिलता है उस हिस्से से आप दे दो। तो राज्य सरकार जो है नगर पालिका और ग्राम पंचायतों को दोनों को हिस्सा देती है पैसों का, तो आप कोई सा भी एक हिस्से से पैसे दे सकते हो, ठीक है। अगली जो धारा है अपनी 17 का मतलब खतरा, आप जानते हो खतरा हो गया, ठीक है। खतरा कब हो जाता है, जब मामले की जांच जो होती है वो कोर्ट या फिर आपकी सिविल न्यायालय प्रक्रिया के अंदर आ जाती है, तो खतरा 317 खतरा, ठीक है, वो वाला खतरा नहीं, अपने वाला खतरा, नगर पालिका वाला खतरा। नगर पालिका मामलों की सरकार द्वारा जांच, नगर पालिका के जो भी मामले हैं उनकी जांच कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, ठीक है। राज्य सरकार कोई भी नियमित अधिकारी क्या होता है, जिसका नाम लेके भेज दिया, कागज में लिख दिया फलाने सिंह जाएगा, को किसी भी नगर पालिका के प्रशासन के मामले में जांच दे सकती है। कोई भी नगर पालिका का प्रशासन वो उसको संभालेगा, देखेगा कि भाई जांच करो, उसकी जाके जांच करो आप। जांच अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता जो अपनी है, सिविल प्रक्रिया संहिता इसके अंदर सारी चीजें दी गई हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का जो अपना है के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, ये यहां पे जाएगा जांच करने, तो मजिस्ट्रेट के पूरे पावर होंगे इसके पास। ये क्या करेगा, प्रकटीकरण मांगेगा कि भाई कोई आदमी को शक्तियां होंगी, कौन सी शक्तियां होंगी इसको, जब किसी आदमी को शक्तियां होंगी कब होंगे, जब 317 के अंदर अपन दे दे, ठीक है। तो 317 में शक्तियां होंगी, क्या होंगी कि वो फलाने आदमी को प्रकटीकरण मांग लेगा, चाहे वो अधिकारी हो या फिर कोई सिविल नागरिक हो, या फिर उसका निरीक्षण करेगा, जांच करेगा, साक्षी हाजिर करेगा। साक्षी कौन सी वाली, वो वाली साक्षी नहीं, गवाह वाली साक्षी, ठीक है। तो गवाह वाली साक्षी हाजिर करेगा और जो खर्चा आएगा जो उसके ऊपर जुर्माना करेगा उसको जमा करेगा, जुर्माने को जमा करेगा, किसमें जमा होता है वो नगर पालिका निधि में। आगे है दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य करना कि भाई आप जो है अपने कागज जो है वो पेश करो, आपको 15 दिन का समय दिया जा रहा है, नहीं तो आपके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। फिर समय पर साक्षियों की परीक्षा करना, जो साक्षी आते हैं उनसे बयान लेना कि भाई क्या हुआ, आप पैसे क्यों नहीं दे रहे, ये ऐसे मामला है, बिगड़ा हुआ मामला हो कोई भी उसको सुलझाने के लिए ये आदमी आता है, ठीक है। आगे है कि स्थगन करना कि हाँ भाई ठीक है रफा दफा हो गया, कैसे, इधर नगर पालिका राजी, इधर जनता राजी, आप अपने घर जाओ। शपथ ग्रहण करना, शपथ पत्र ग्रहण करना होता है, ये उनसे शपथ पत्र लेगा कि हमने आज तो अभी नगर पालिका का टैक्स नहीं भरा है लेकिन आगे से हम नियमित टैक्स भरेंगे, यदि हम नहीं भरें तो हमारे ऊपर जो भी उचित कार्रवाई हो की जाए। साक्षियों की परीक्षा का कमीशन जारी रखना, उन लोगों की परीक्षा जो है वो चलती रहती है, उसके अंदर कमीशन जारी रखते हैं। स्व प्रेरणा से समन, इनकी खुद के पास इतनी पावर है कि अपनी जो स्व प्रेरणा है उससे समन जारी करेंगे, नोटिस भेजेंगे। और ये जो IPC की धारा जो अपना है भारतीय दंड संहिता 1973 के तहत, और जो अपने इस अधिनियम की धारा 195 के तहत, धारा 195 के तहत इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। तो 17 का क्या मतलब हुआ, खतरा हुआ, ठीक है। आगे है कि शर्तें रख दी कि भाई इस अधिकारी को भी शर्त तो है यार, ये काम तो कर ले, ठीक है, मजिस्ट्रेट का काम कर ले, कोई बात नहीं, पावर दे दिया हमने आपको, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें ये हैं कि स्पष्टीकरण साक्षी राज्य सरकार के भीतर का हो, जिसके मतलब जिससे आप स्पष्टीकरण चाह रहे हो, जिसका आप मुकदमा लड़ रहे हो, जिसका आप केस चला रहे हो, वो आदमी राज्य के भीतर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ कहीं का हो और अपन उससे क्या करते हो, क्या करते हो उसको बुलाते हो, ऐसा नहीं होगा। वो आदमी निवासी कहाँ का हो, राजस्थान का निवासी होना चाहिए। और ब्याज उससे जो लेगी ना, जैसे मान लो किसी आदमी का 2 साल तक केस चल रहा है, केस कितने साल तक चल रहा है, 2 साल तक चल रहा है, 2 साल तक यदि आदमी पैसे नहीं दे रहा तो उसके ऊपर ब्याज भी लगेगा आपका, कितना, वो जब मान लो उसके ऊपर जुर्माना कितना किया था, 5,000 का जुर्माना किया मान लो, तो उसके ऊपर फिर 2 वर्ष तक कर लिया, 2 वर्ष का 15% ब्याज सहित उसको ये राशि जमा करानी पड़ेगी। किसके सामने, ये जो अधिकारी आएगा ना, नगर पालिका कोई भी अधिकारी को नामित करके भेज देती है उसके सामने, ठीक है।
अब आती है धारा 318। 318 के अंदर कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय। 18 का वही बात है कि हाँ आठो लाग जाओ रे, आठो मांडा ना के खा चनपटिया खा चट्टू खा, है ना, कठे भी रोड के ऊपर कोई आदमी आठो मांडा लाग जाए ना वह के पड़े चनपटिया। तो कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति, कि कर्मचारी वर्ग जो है उसके नियोजन में, कि भाई उसके नियोजन मतलब उसको ज्यादा कर रखा है या कम कर रखा है, को रोकने की सरकार की शक्ति यहाँ नगर पालिका के अंदर क्या है कि राज्य सरकार की राय में लगे कि नगर पालिका में या तो व्यक्ति ज्यादा है कर्मचारी ज्यादा है, जैसे मान लो जरूरत है 40 से और आपने भेड़े कर रखे हैं 100 कर्मचारी भेड़े कर रखे हैं, जरूरत है 40 की, या पारिश्रमिक अधिक है मतलब उनको देने चाहिए 5,000 रुपए के हिसाब से, काम वो इतना ही कर रहे हैं और आप दे रहे हो उनको 50,000 रुपए, तो सरकार के पास ये क्या है, पावर है, ताकत है, शक्ति है कि वो इस चीज के ऊपर ध्यान देगी और उसको रोकेगी। नगर पालिका को कम करने के लिए बोलेगी कि भाई ये जो है ना, ये आपके मानस भी कम करो, इन रुपया दिल्ली दो वो भी कम करो, विधि पूर्ण होगा, और बोल दिया कि इस बात को विधि पूर्ण बता दिया पहले ही, ताकि आप कल नगर पालिका के अंदर निकाल दिया जाए तो आप किसी भी कोर्ट के अंदर जाके खड़े ना हो सके, विधि पूर्ण बता दिया। आगे कहा है कि नगर पालिका की शक्तियां कम या ज्यादा कर सकती है, जो अपनी राज्य सरकार है नगर पालिका की तो बाप है ना, तो उसकी शक्तियां कम भी कर देगी ज्यादा भी कर देगी, शक्तियां किसी को भी राज्य सरकार प्रत्यायोजित कर सकती है। प्रत्यायोजित की बात वही है, एक आदमी के पास शक्तियां उसको दो में बांट दो, दो के पास जो काम है वो तीन में बांट दो, ठीक है, तो इस टाइप से क्या है वो प्रत्यायोजित किसी को भी दे सकती है। यूं भी बोल सके कि भाई गांव के सरपंच के साथ नगर पालिका के चेयरमैन ने मिलकर काम करना है, ठीक है, तो वो भी करना पड़ेगा आपको, सही है। आगे है राज्य सरकार नगर पालिका में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करेगी। राज्य सरकार जो है वो नगर पालिका के अंदर कितने कर्मचारी चाहिए, वो 40 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, कितने चाहिए और उनको क्या पेमेंट देनी है, वो सारी चीज़ें निर्धारित करेगी। ज़्यादा होने पर उसको अधिशेष घोषित कर देगी कि भाई ये फालतू का है, अधिशेष का मतलब फालतू का है, तो इनको अधिशेष घोषित कर देगी और क्या कर देगी, इनको बाहर निकाल देगी, ठीक है। अगली धारा है अपनी 319। 319 में दिया गया है कि नगर पालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में, यदि आपका कोई भी अधिकारी है वो कर्तव्य के अनुपालन में व्यक्तिक्रम मिलता है, व्यक्ति विशेष मिलता है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो मिलावटखोरी के अंदर जिसका हाथ है या फिर कोई और टाइप के कोई गलत काम करता है, तो करने पर अनुपालन की व्यवस्था करने की सरकार की क्या शक्ति है, कि उसका पालन कैसे करेगी सरकार। सरकार को यदि कोई की शिकायत मिल जाती है, कोई सूचना मिल जाती है व्यक्तिक्रम के मामले की, कि भाई फलाना आदमी जो है वो सरकार मतलब अपनी जो नगर पालिका क्षेत्र है उसके अंदर जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है या किसी के साथ मिलावटखोरी कर रहा है या किसी के साथ खुद के हित रख के और वो अपनी संविदा कर रहा है, तो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट उसको कालावधि के भीतर नियत कर सकेगी, बोलेगी भाई इस 15 दिन के अंदर आपको ये करना है, 20 दिन जो भी कालावधि देगी उसके अंदर आपको इस मामले को ठीक करना है, फिर भी आपसे ठीक नहीं हो रहा, तो यदि वह नियत समय से कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा है तो नगरपालिका वो राज्य सरकार क्या करेगी, किसी अन्य आदमी को उसकी जगह नियुक्त कर देगी, उसको हटाना पड़ेगा ना, वो तो देखो जब जनता की डिमांड हो जाती है तो हटाना पड़ेगा, किसी अन्य को नियुक्त करेगी और जो भी उसको नियुक्त करेगी ना उस आदमी को जो तनख्वाह मिलेगी जो भी उसका खर्चा होगा वो नगरपालिका तुरंत देगी। यदि नगरपालिका तुरंत नहीं देगी तो अपने जयपुर से कॉल आएगा विधानसभा से अपने सीएमओ से कि भाई आपने इसको पैसे नहीं दिए, हमने अधिकारी भेजा है, तो फिर वो कहेंगे जी सर बोलिए, तो कहेंगे भाई जो आपकी नगरपालिका निधि किसके अंडर में है, वो कहेंगे फलाण सिंह के अंडर में है, तो वो कहेंगे भाई फलाण सिंह को बोलो उसको तुरंत पैसे दें, पैसे कैसे दें, तुरंत दें, क्योंकि वो आपकी जो बिगड़ी हुई बात जो है वो किसने बनाई है, इस अधिकारी ने बनाई है, इसने नया पार करवाई आपकी, तो इसके पैसे भी आप तुरंत दो, ठीक है। अगली जो धारा है अपनी 320, 320 का क्या मतलब है कि नगरपालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग, मतलब 320 का मतलब ये हो गया कि जब तक आपके 320 का मतलब हो गया कि नगरपालिका की स्थापना होने तक उसकी उसकी शक्तियों का प्रयोजन, कि शक्तियां जो हैं उसको काम में कौन लेगी, क्योंकि ये सारा नियंत्रण किसका है, राज्य सरकार का है। तो कैसे है देखिए, जब नई नगरपालिका का सृजन किया जाए तब अधिकारी समिति ये कोई भी राज्य सरकार जो है ना स्टेट गवर्नमेंट किसी अधिकारी को बोल देगी, किसी अधिकारी को बोल देगी या उसको अधिकार दे देगी या प्राधिकृत नामित जो भी कर देगी कि बोलेगी कि आप अधिकार समिति या प्राधिकारी को नियुक्त करने पर नगरपालिका की शक्तियों और कर्तव्यों का, ये जो नई नगरपालिका जो बन रही है मान लो अपनी चिड़ावा है और कल सुल्ताना नगरपालिका बन रही है, तो क्या होगा उसके अंदर एक अधिकारी को भेज देंगे कि भाई 6 महीने में चुनाव कराने होते हैं, हाथ के हाथ थोड़े चुनाव होते हैं यार, तो तब तक कोई काम करने के लिए तो भेजेंगे ना, क्योंकि वो तो अधिसूचना में लागू हो जाएगा, उसी दिन से मान्य हो जाएगा, तो शक्तियों कर्तव्यों का पालन वो अधिकारी करेगा। 6 माह के भीतर चुनाव होंगे, ये 6 माह का भीतर कौन सी धारा की बात आई थी अपने पास,
आई थी क्या पहले कोई धारा कि 6 माह के अंदर, धारा 11 के अंदर बोला गया कि 6 माह के भीतर विघटन की, जो धारा 7 में भी बोला गया है लेकिन 11 में स्पष्ट बोला गया है कि 6 माह के भीतर जो है वो विघटन जो है तो वो एक बैठक से दो बैठक, बैठकों की बात आती है तो धारा 7 की बात आ जाएगी। और यदि चुनाव की बात आती है कि 6 महीने में चुनाव करवाने जरूरी है नई धारा, नई जो आपकी नगर पालिका है, तो वो धारा 11 में आएगी। चुनाव होने तक शीघ्रता से कार्य नगर पालिका को सौंप देंगे, जैसे ही चुनाव हो जाएंगे तो वो जो अधिकारी होगा वो तुरंत कार्य नगर पालिका को सौंप देगा। हाँ, उसको बोला गया है कि तू कोई नया कर नहीं लगाएगा भाई, ठीक है, तेरे को काम प्रशासन चलाने के लिए बोला है, वहां पे कोई नया कर नहीं लगाएगा और कोई भी कर अधिरोपित नहीं करेगा, जनता के ऊपर कोई कर वजन नहीं डालेगा। उस फिर अगली जो धारा है 321 में बोला गया है कि उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगर पालिका निधि है, जिसके अंडर में नगर पालिका निधि है, सरकारी द्यो का, जो सरकारी देय होते हैं, पैसे होते हैं, देय का संदाय करने का निर्देश देने की सरकार की शक्ति, कि भाई सरकार का जो खर्चा होता है ना तो वो कौन देगा, जिसके अभिरक्षा के अंदर नगरपालिका निधि होगी वो देगा कि भाई नगरपालिका निधि से इतने पैसे राज्य सरकार के कहने पे दे दे। यदि कोई नगरपालिका राज्य सरकार को दे किसी राशि या रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम करे, कोई आदमी है और वो कह दे मैं तो कुंदू पीसा न दे तो भाई तेरे ऊपर आड़ो कोई और भी तो बैठा है सीनियर, तो नगरपालिका निधि के ऊपर अभिरक्षा करने वाला वो इससे सीनियर होगा, फिर उससे राज्य सरकार बोलेगी कि भाई इस आदमी को तुरंत पैसे दे क्योंकि ये सहक्रम नगरपालिका के सहक्रम के लिए ये आदमी आया है और इसको पैसे देने की जरूरत है और आप तुरंत नगरपालिका निधि से पैसे दो। ठीक है, ठीक है, अगली धारा है अपनी 322, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली है 322। 322 में बोला गया है कि क्षमता न होने पर, क्षमता का मतलब सदस्य जो चुने हुए हैं वो 2/3 सदस्य नहीं आ रहे हैं, चुनकर से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगर पालिका को विघटित करने की शक्ति, विघटित करने का मतलब सारा कार्य काम जो है वो पूरी नगर पालिका ही खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर नया चुनाव होता है 6 महीने के अंदर, फिर नगर पालिका नई चुन के आती है, उसका जो काम होता है उस टाइम पर प्रशासक करेंगे जो राज्य सरकार के अधिकारी होंगे। तो देखते हैं क्या दिया है, नगर पालिका की क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं का मतलब 2/3 सदस्य इसके पास नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि या नगर पालिका कोई शक्ति का दुरुपयोग कर रही है या फिर बराबर व्यक्तिक्रम नहीं है उसके अंदर, वही बात है, व्यक्तिक्रम का मतलब वो बराबर संख्या में इनके पास बहुमत नहीं है, तो राज्य सरकार कारण बताते हुए कारण बता देगी कि भाई फलानी या तो नगर पालिका शक्ति का दुरुपयोग कर रही है या फिर उसके पास व्यक्ति कम है या फिर उसके पास क्षमता नहीं है, कारण बताते हुए अपने राजपत्र के अंदर गजट के अंदर निकाल देगी कि भाई नगर पालिका जो है वो असक्षम है, वो सक्षम नहीं है या व्यक्ति की कमी है, वहां पे जो है पूरे सदस्य नहीं है, को तारीख कोई भी तारीख से निकाल देगी उसी तारीख से वो आदेश माना जाएगा, जो तारीख से निकालेगी उसी से आदेश माना जाएगा। पहले अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगेगी, लेकिन निकालने से पहले अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगेगी, भाई देख ले 2-4 निर्दलीय आदमी तेरी पार्टी में मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो जाना है। आदेश स्टेट गवर्नमेंट तब पारित नहीं करेगी, पहले स्टेट गवर्नमेंट अध्यक्ष से उससे स्पष्टीकरण मांगेगी फिर उसके बाद पारित करेगी, जैसे ही करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट नगरपालिका के विरुद्ध आरोपों को स्पष्ट करते हुए उसको पहले लेखबद्ध करेगी कि भाई आपके विरुद्ध आपने या तो दुरुपयोग किया है या फिर आपके पास बराबर संख्या में आदमी नहीं है, उसको लेखबद्ध कर देगी, एक क्रम वाइज लिख देगी कि भाई आपने ये कोतिक किए हैं। ठीक है, फिर उसकी जांच करवाएगी, जो लेखबद्ध कर देगी उसको जांच करवाएगी, जांच किससे करवाएगी, कोई अभिकरण गठित करेगा जिसके अंदर एक अध्यक्ष होगा और कम से कम दो सदस्य होंगे। तो जो जांच करने का अभिकरण जो होगा वो उसके अंदर क्या होंगे, एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे, इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 सदस्य के पास भेजेगी, वो जांच करके राज्य सरकार को भेजेंगे, उसके बाद वो राजपत्र के अंदर निकालती है, सीधा ही नहीं निकालती। आगे है कि रिक्तियां का मतलब है कि 2/3 से कम लोग उसके अंदर रह रहे हों, मतलब 2/3 से कम लोग उसके अंदर रह रहे हों या चुनकर आ रहे हों, चुनकर जो सदस्य आते हैं नगरपालिका के वो 2/3 से कम सदस्य हों, जैसे मान लो कहीं पे 60 संख्या है, इसका 2/3 निकालेंगे, 60 का 2/3 निकालते हैं, 2/3 निकालते हैं तो 40 सदस्य होने चाहिए, यदि 40 से कम सदस्य आ रहे हैं तो कर्तव्य पालन में सक्षम नहीं समझी जाएगी कि भाई ये जो है अपना कार्य करने में, नगरपालिका जो है चलाने में सक्षम नहीं है, निर्वाचित सदस्य कम से कम 2/3 होने चाहिए, चुने हुए सदस्य कितने होने चाहिए, कम से कम 2/3 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 2/3 सदस्य होने चाहिए, सदस्य चुने हुए होने चाहिए,
चुने हुए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि नगर पालिका में कार्रवाई संचालन के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तो कम से कम दो तिहाई सदस्य होने चाहिए, नहीं ठीक है, कम से कम दो तिहाई सदस्य होने चाहिए। आगे कह रहा है कि विघटन का परिणाम क्या हो जाएगा यदि नगर पालिका, मतलब राज्य सरकार अपने गजट में निकाल देती है कि फलानी नगर पालिका जो है हम उसका विघटन कर रहे हैं, किस आधार पर, या तो वो शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, या फिर उसमें बराबर संख्या में आदमी नहीं है, या फिर दो तिहाई उसके पास बहुमत नहीं है, तो वो विघटित कर देगी। कैसे करेगी विघटित, हमने देखा है कि सबसे पहले एक अभिकरण, मतलब सबसे पहले उसको लेखबद्ध करेगी, लेखबद्ध करके उसकी जांच करवाएगी, जांच करवाने के लिए एक अभिकरण गठित करेगी जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे, फिर उसके बाद अपने लेटर पैड में निकाल देती है जिसको राजपत्र अपने बोलते हैं। फिर आगे है कि यदि रिक्तियां हो दो तिहाई से तो लिखा जाएगा कि असक्षम है, यहां पर व्यक्ति गणपूर्ति पूरी नहीं है। फिर आता है कि विघटन के परिणाम, परिणाम में क्या होगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बोल देंगे भाई आप अपना नोटिस दे दो, खाली कर दो पद को, तो वो अपना नोटिस पद पे पद को खाली कर देते हैं कि भाई हम अपना पद खाली कर रहे हैं, ठीक है। यदि विघटन, विघटन पर कार्य, उस टाइम पे कार्य कौन करेगा, विघटित हो जाती है तो प्रशासक करेगा, उस टाइम पे प्रशासक जो होता है अपना एडमिनिस्ट्रेशन वो कार्य करेगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट है राज्य सरकार का अधिकारी होगा और बोलेगा कि अगली जो चुनाव है ना वो 6 माह के भीतर होना चाहिए, भीतर 6 माह के, या आपकी धारा 11 के अंदर उल्लेख है इसका कि 6 माह के विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। नगर पालिका खत्म हो जाएगी उस टाइम पे, कोई वर्चस्व नहीं रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है कारण सहित विघटन का आदेश दे देगी कि भाई हमने इसको इस कारण से या इस कारण से विघटित कर दिया गया है। फिर वो जो आदेश देगी ना, वो आदेश क्या करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री या फिर ये जो अपना मुख्यमंत्री महोदय को उस टाइम पे वहाँ आपके विधानमंडल के अंदर, विधानसभा के अंदर रखना पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस होती है, विधानसभा के ऊपर रखा जाएगा और फिर वो उसके ऊपर बहस करेंगे, वो पार्टी भी आ सकती थी, या कांग्रेस का ये किया, बीजेपी का ये किया, निर्दलीय का ये किया, जिस प्रकार की जो पार्टियाँ चलती हैं उन्हीं का नाम उछलता है, फिर वापस चुनाव होते हैं, 6 महीने के अंदर वापस चुनाव करवाए जाते हैं, तब तक कार्य जो है वो पूरा प्रशासक करेगा, ठीक है, ठीक है। अगली जो धारा है 323 वो ये दंगा प्रसाद की खुंडबाजिया, नगरपालिका तथा एक या अधिक, या तो कोई नगरपालिका है, दो नगरपालिका आपस में खुंड बजा दी, या फिर कोई स्थानीय ग्राम पंचायत और कोज्या, ठीक है, प्राधिकरणों के बीच कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, तो उसका समाधान कैसे किया जाएगा, या तो बोला गया कि पहले तो भाई ऐसा विवाद हो जाए तो उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौता करो, फिर भी नहीं हो तो क्या होगा, नगर पालिका वर्सेज एक या वर्सेज खुंडबाजियां हैं, तो ठीक है खुंडबाजियां मतलब लड़ाई दंगा को यूज, ठीक है निशान, तो खुंडबाजियां ना एक या अधिक प्राधिकरण के बीच में खुंडबाज जाते हैं, सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं होता, लठबाजियां सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं होता, तो क्या करेगा, यदि मामला एक जिले का है, जैसे मान लो मेरी पंचायत, मतलब मेरी जो नगर पालिका चिड़ावा है और उनके पास में कोई गांव लाग रहे हैं, कोई भी है, अलडावतो है, झांझोत है, सारी है, कोई भी गांव लाग रहे है, उसके साथ यदि उसके खुंड बाज जाते हैं तो एक जिले का ही मामला है, ठीक है, एक जिले का मामला है, एक जिले की नगर पालिका या कोई दो नगर पालिका लड़न लाग जाए, पिलानी चिड़ावो दोनों खुंड बजा ली, ठीक है, तो ग्राम पंचायत या कोई ग्राम पंचायत भी उनके बीच में कूद जा तो कलेक्टर साहब कराएगा। यदि मामला एक जिले का है ना, एक जिला हो जिनके बीच में विवाद हुआ है, या तो दो नगरपालिकाओं के बीच में या ग्राम पंचायत नगरपालिका के बीच में या कोई भी दो प्राधिकरणों के बीच में विवाद हुआ है, और यदि मामला एक जिले का है तो कलेक्टर साहब इसका समझौता करवाएंगे, और वो समझौता अंतिम होगा और आप पे बाध्यकारी होगा, क्या होगा, बाध्यकारी होगा, अंतिम भी होगा और आप पे बाध्यकारी भी होगा, ठीक है, नगरपालिका को बोल देंगे आप ये करो, ग्राम पंचायत को बोल देंगे ये करो, या दूसरी नगरपालिका को बोल देंगे आप ये करो। यदि मामला दो जिलों का आ जाए, दो जिलों को मान लो चिड़ावा वाली जाके जोराय मर्दी खुंड बजाया हो, कठे जाके अपने कोई भी सिक्कर के साथ बजाया हो, तो सिक्कर के साथ खुंड बाज जा, तो वो दो जिले हो गए, दो जिले हो गए, तो आप जिस संभाग में आते हो, कितने संभाग है अपने राजस्थान में, 7 संभाग है ना, 7 संभाग है भाई, याद रखा करो, नगर निगम कितनी है, नगर निगम 10 है, 2-3 के अंदर जयपुर के अंदर ग्रेटर और हेरिटेज 2 है, कोटा के अंदर उत्तर दक्षिण, जोधपुर के अंदर उत्तर दक्षिण 6, तो ये हो गई, बच गए 4 संभाग, उसके अंदर है एक एक, तो 10 तो नगर निगम है, और नगर परिषद की बात आती है तो 34 नगर परिषद है, जिसमें से 26 राज्य के अंदर प्लस 8 जो बड़े, मतलब 26 जिले हैं इसके अंदर,
26 तो जिले हेडक्वार्टर के अंदर है प्लस 8 बड़े शहर हैं इसके अंदर। और यदि आप नगर पालिका बोर्ड की बात करते हो, नगर पालिका की जिसमें बात की जाती है, तो वो 169 है कुल मिला के, 313 सिस्टम है ये, 213 सिस्टम। ध्यान रखना नगरीय निकाय कितने हैं राजस्थान में, 213 है, ध्यान रखना इस चीज का। 7 संभाग हैं, तो वहां पे जो आप कौन से संभाग में अपना झुंझुनू सीकर एक ही संभाग में पड़ता है जयपुर में, जयपुर से आयुक्त आएगा वो इसका क्या कर देगा, समझौता कर देगा, और उस समझौते को माना जाएगा अंतिम समझौता होगा। हाँ, इस ऐसे कोई खूंड बाजिया उस मामले में न्यायालय नहीं काम करेगा। बोला गया कि सिविल न्यायालय द्वारा कोई वाद ग्रहण नहीं किया जाएगा। यदि कोई आदमी बन के बीच में यदि खूंड बाज गया ना, तो फिर क्या होगा कि सिविल न्यायालय जो है इस टाइप का कोई भी मामला जो है वो ग्रहण नहीं करेगा। कौन करेगा ग्रहण? यदि जिले का मामला है तो कलेक्टर साहब करवा देंगे, यदि आपके संभाग का मामला है तो संभागीय आयुक्त करवा देंगे। उससे भी बड़ा है यदि आप जाके चिड़ावाली जोराई मंदिर डूंगरपुर के साथ गल जाए, डूंगरपुर वाली अपने चिड़ावा वाली के साथ लीगल तरीके का कोई वाद, वाद लीगल का होता है, लीगल नहीं होते है ना, तो उसके अंदर पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ, तो वो कहेंगे कि साहब हमारी जो ग्राम मतलब पंचायत वो आपकी तहसील है ना, है ना, तो पंचायत जो आपकी नगर पालिका है, नगर पालिका जो है उसके अंदर साहब ये 60% हिस्सा आता है और हम खर्चा भी 60% कर देंगे। तो दूसरी कह देती है कि साहब हमारे अंदर ये 45% आती है या फिर 30% ही आती है, 30% ही आती है, हम 30% का खर्चा देंगे। तो वो 10% जो लैप्स हो जाता है ना, उस मामले को सुलझाने के लिए यदि जिले का मामला है तो कलेक्टर साहब सुलझाएंगे, और यदि जिले का मामला नहीं है किसके बीच में है, 3-2, 3-2, 3, 3 vs 3, मतलब खूंड बाजेगा तो 3-3 के बीच में बाजेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको कि खूंड जो बजेंगे ना वो 323 के अंदर बजेंगे। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं अपनी 324 की धारा में कि नगर पालिका और नगर सुधार न्यास। एक तो नगर सुधार न्यास होता है, एक नगर विकास प्राधिकरण होता है, या कोई भी जैसे हाउसिंग बोर्ड का भी कोई हो, किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच विवाद। नगर पालिका का विवाद किससे हो जाता है, नगर सुधार से हो जाता है, नगर विकास प्राधिकरण या आवासन बोर्ड से किसी से भी कोई विवाद हो जाता है और वो सौहार्दपूर्ण हल ना निकले तो वो राज्य सरकार करेगी। अब देखिए 323 में क्या था, 323 के अंदर था कि भाई दो भाई लड़ रहे हैं, ये ए है ये बी है, ठीक है, तो इनका समझौता कौन करवा देगा, इनका बड़ा भाई करवा देगा, कौन करवाएगा, कलेक्टर करवाएगा, कौन करवा देगा, कलेक्टर करवा देगा। और इबकाल है यो जो भाई है यो काका की गिरबान में हाथ गाल दे तो देखना कैसे होगा। ये ए है, ए का जो सी से हो जाता है, ये क्या लगता है इसका, चाचा लगता है, चाचा या काका लगता है, काका लगता है, ठीक है। यदि बेटे का और अपने काके के साथ लड़ाई हो जाती है तो फिर उसका समझौता कौन करवाएगा, पिताजी करवाएगा, पिताजी करवाएगा ना, पिताजी करवाएगा, पिताजी की, क्योंकि उसका छोटा भाई भी मान लेगा और उसका बेटा भी मान लेगा। तो ये जो समझौता कौन करवाएगा, 324 का, 324 का जो समझौता है वो कौन करवाएगा, 324 का करवाएगा राज्य सरकार, राज्य सरकार। सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है कि भाई दो हैं इसके अंदर, दो भाई लड़ रहे हैं, तब तो बड़ा भाई करवा देगा, या तो कलेक्टर करवा देंगे या संभागीय आयुक्त करवा देंगे 323 में। और अगली 324 आती है उसके अंदर काके के साथ पंगो जजना पिताजी करवाओगे, पिताजी कौन है, नगर पालिका अधिनियम की राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार इसका समझौता जो है वो करवा देती है। ठीक है, यदि मामला सौहार्दपूर्ण से नहीं हो तो राज्य सरकार उसको करवा देती है। ठीक है, आगे है अपनी धारा 325। 325 में बोला है कि नगर पालिका की उपविधियों को, नगर पालिका कोई भी उपविधि बनाती है या नियम बनाती है उसको रद्द या उसको उपांतरित, उसके अंदर कुछ घटा बटा सकती है, ये राज्य सरकार की शक्ति है। नगर पालिका कोई भी उपविधि या नियम बनाती है तो राज्य सरकार उसको रद्द कर सकती है पूरे को भी, या फिर उसके कोई भाग है उसको भी रद्द कर सकती है, या फिर उसमें कुछ घटा बटा सकती है। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना से, अधिसूचना से पूर्णतः ये जो नियम और उपविधि है ना इसको पूर्णतः या फिर भागतः इसको रद्द कर देगी, कि हल्का एक दो लाइन इसकी रद्द कर देगी या पूरा ही रद्द कर देगी। करने से पहले, रद्द करने से पहले क्या करेगी, रद्द करने से पहले राज्य सरकार जो है नगर पालिका का आधार देखेगी कि भाई मैं इसको किस आधार पे इसको रद्द कर रही हूं, क्योंकि इसको राजपत्र में लिखित में निकालनी पड़ती है। तो नियत समय देगी कि भाई इतने समय के अंदर आप या तो इसको ठीक कर लो, ठीक नहीं करोगे तो मैं इसको रद्द कर दूंगी, फिर या फिर उसका स्पष्टीकरण मांगेगी कि भाई कि आपने क्यों ऐसा जोड़ा है जो जनता के हित के लिए नहीं है, सही नहीं है, या फिर आप अपनी दादागिरी कर रहे हो तो ये ऐसा क्यों जोड़ा है, ये स्पष्टीकरण मांगेगी, उसके ऊपर आपत्ति मांगेगी, लोगों की राय भी मांगेगी। फिर जिस दिन से अधिसूचना निकाल देती है नगरपालिका उस दिन से क्या हो जाएगी, ये प्रभावी हो जाएगी, उस दिन से प्रभावी हो जाएगी। ठीक है, अगली धारा है अपनी 326।
326 में बोला है कि राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन, कि राज्य सरकार की जो भी शक्तियां हैं नियम बनाने की, कानून कायदे बनाने की, उसकी शक्तियों का प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का अपन ने देख लिया था, एक आदमी की शक्तियां हैं, फिर दो में बांट देते हैं, फिर ये दो दो में बांट देते हैं, ऐसे करके काम चलता है। ठीक है, जैसे मान लो पुलिस प्रशासन में देखते हैं तो DGP होता है, वो ADGP में बांट देता है, फिर इंस्पेक्टर जनरल IG में बांट देता है, फिर DIG में बांट देता है, फिर IPS में बांट देता है, SP में बांट देता है, फिर DPSP में, फिर आपका जो क्या बोलते हैं ये जो अपना DYSP आता है, DPSP, DPSP, SHO में बांट देते हैं, SHO, SI में SI, ASI में ASI, CI के अंदर वो ASI जो है हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल जो है कांस्टेबल के अंदर बांट देते हैं। उस प्रकार से जैसे ही प्रशासन के अंदर जाते हैं तो संभागीय आयुक्त जो होते हैं वो कलेक्टरों में बांट देते हैं, कलेक्टर जो होते हैं वो ADMO में बांट देते हैं, ADM SDMO में बांट देते हैं, SDM तहसीलदारों में, तहसीलदार जो होती हैं वो ग्राम सेवक, गिरदावर, पटवारियों के अंदर इन चीज़ों को बांट देते हैं। तो आगे आती है कि ये जो धारा के अंदर कुछ धाराएं दी गई हैं, इस धाराओं की जो शक्तियां उनको बांट देंगे। अपील प्राधिकारी की जो नियुक्ति है ना, वो अपील प्राधिकारी की जो शक्ति होंगी वो उसी के अंदर होंगी। अपील प्राधिकारी हमने देखा है दो प्रकार के होते हैं, अपील करनी है तो सबसे पहले आप किसके पास जाओगे, कलेक्टर के पास जाओगे, कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर जो होता है वो होता है DM होता है और DC होता है। DC का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और DM का हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यदि उसके पास मजिस्ट्रेट की पावर होंगी तो वो मजिस्ट्रेट हो जाएगा, और प्रशासन का काम करेगा तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे जाके यदि मामला विवाद का हो जाता है तो वो जिला कोर्ट में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, जिला न्यायालय में, जो उसके पास जो लग रहा है ना, जो क्षेत्र में आ रहा है जिला न्यायालय में। यदि यहाँ पे आपका मामला नहीं सुलझ रहा है तो राज्य सरकार के पास चला जाएगा, राज्य सरकार के पास चला जाएगा। अपील आपको तीन जगह ही तो करनी है, बस ये ध्यान रखना कौन सी अपील कहाँ करनी है। जो सिविल पैसे देने की मामले की थोड़ी सी अपील है वो कलेक्टर साहब के पास करनी है, थोड़ी बड़ी मामले की मारधाड़ की कोई और बात हो जाती है तो जिला न्यायालय के अंदर जानी है। यहाँ दोनों से नहीं सुलझे तो राज्य सरकार के पास, इनके पास अपील का टाइम जो है वो लगभग 30 दिनों का रखा गया है। तो आप बहुत ईजी तरीके से 30 दिनों का अपील का टाइम इसके अंदर रखा गया है कि 30 दिन के भीतर अपील करना है। अब दे रखिए 326 की राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन, कि वो राज्य सरकार जो है अन्य लोगों की, लेकिन हाँ अपील की नहीं देगी, क्या नहीं देगी अपील की, अपील करने की जो शक्ति है वो केवल इन्हीं के पास रहेगी, वो बदलेगी नहीं अपील शक्तियों को छोड़कर, तथा कुछ या सभी शक्तियों को अपने अधीनस्थ को प्रत्यायोजित कर देती है। अधीनस्थ का मतलब क्या होता है कि सीनियर ऑफिसर का जो जूनियर ऑफिसर होगा उनके पास प्रत्यायोजित कर देगी, बांट देगी कि भाई आपको ये काम करने हैं। कलेक्टर को या कलेक्टर को कोई शक्ति दे देगी, या कोई अन्य अधिकारी है उसको शक्ति दे देगी कि भाई आपको 6 महीने के लिए इस नगर पालिका को संभालना है, अतिरिक्त थोड़ा सा ध्यान देना है, या तो कलेक्टर साहब को बोल देगी या फिर कोई अन्य भी कोई अधिकारी SDM को बोल देगी, क्योंकि SDM से नीचे नहीं बोल सकती। ठीक है, SDM से नीचे नहीं बोल सकती, ADM को बोल सकते हैं, अतिरिक्त कलेक्टर जिसको बोलते हैं अपन, तो ADM को SDM को कलेक्टर साहब की शक्तियां जो है वो बांट देगी, या फिर जो कलेक्टर साहब को शक्तियां दे देगी कि आपको इसको स्पेशल इतने दिन के लिए चलाना है। ठीक है अगले जो आती है 327 की धारा, जो अपनी अंतिम धारा है इस अध्याय की, उसके अंदर दे रखा है कि अभिलेख मंगवाने की शक्ति। अभिलेख क्या होते हैं, जो पहले राजा महाराजा गढ़वाते थे उसके ऊपर भी लिखे होते थे, इसलिए अभिलेख बोलते हैं। आजकल जो कॉपी किताबों में लिखते हैं, रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्ड रजिस्टर में लिखते हैं, किसमें रजिस्टर जो होता है ना उसके अंदर जो लिखेंगे उसको अभिलेख बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे। तो राज्य सरकार जो है वो, या राज्य सरकार का कोई अधिकारी या स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी, नियमित कोई भी प्राधिकारी, नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी, या किसी मतलब किसी भी व्यक्ति से, नगर पालिका के अधिकारी से, नगर पालिका के अध्यक्ष से, जो भी उपाध्यक्ष होता है, सदस्य या अधिकारी होता है, किसी आदेश या संकल्प, कोई भी आदेश है वो मंगवा सकती है। क्यों मंगवाएगी, उसका संकल्प देखेगी कैसा है, उसकी शुद्धता देखेगी कि वास्तव में काम तो फेर हो रहा है ना, उसकी वैधता देखेगी कि वास्तव में ये विधि के अनुसार तो हो रहा है ना, औचित्य के बारे में समाधान करने के लिए सुसंगत अभिलेख, जो आपने नई फेर कॉपी डाली है ना उस कॉपी को क्या करेगी, मंगवाएगी। आगे बोल रही है कि परीक्षा करेगी, उसकी जाँच करेगी, फिर तथा आदेश को आस्थगित रख सकेगी। जब ये परीक्षा कर रही होगी उस टाइम पे आदेश को रोक देगी, वो कहेंगे साहब हमने इस पन्ने में और कुछ लिखना, वो कहेंगे नहीं डांट ले एक बार बाद में लिख लेना, तो उसको आस्थगित कर सकेगी, या आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको चेक करके वापस दे दी जाएगी। आदेश को विघटित, जो भी नगर पालिका आदेश देती है उसको विघटित कर सकती है, उसके आदेश को उलट भी सकती है, उल्टा भी कर सकती है, उपांतरित हल्का फुल्का उसमें बदलाव भी कर सकती है। आगे कहा है कि राज्य सरकार का प्राधिकृत अधिकारी का आदेश नगर पालिका पर, राज्य सरकार
या फिर ये अपना कोई अधिकारी भेजेगी, उसका जो आदेश होगा वो नगर पालिका के ऊपर अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा, वो बात आपको नगर पालिका में माननी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, नगर पालिका अधिनियम जो है वो अपना कंप्लीट हुआ। आपने देखा था कि अपने जो सेकंड ग्रेड जो हुआ है, सेकंड ग्रेड के अंदर अपने मात्र आठ वीडियो जिसके अंदर मतलब टोटल 10 मान लेते हैं अपन, 10 वीडियो आप काउंट करोगे तो पूरे नहीं है, जिनमें 4 तो है प्रश्न पत्र प्लस 6 अन्य वीडियो मैंने केवल राजस्थान के डाले हैं, उसमें अपने 60+ क्वेश्चन आए हैं। 60+ मतलब जो आपने टॉपिक करवा दिया उस टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं गया है, और जितना करवाया है केवल आरपीएससी उतना ही पूछी है। तो दोस्तों आपको भी इसका फायदा मिलेगा, इस आईक्यू लेवल अकेडमी जो आपकी है इसका पूरा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि यह एकेडमी जो है ये स्टूडेंट हित के लिए काम कर रही है। स्पेशल इसका जो एक मोटिव है तो केवल मोटिव यही है कि स्टूडेंट हित है, तो स्टूडेंट हित के लिए आपको बेस्ट से बेस्ट नोट्स मिल रहे हैं। इसके बाद इसको क्या होगा, आपको क्वेश्चन पेपर हर एक धारा से आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे जो किसी भी टाइप के होंगे, क्योंकि अपने जैसे भाई आप भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं, और जो पेपर सेट करने वाला है वो भी पढ़ रहा है, तो माइंड तो लगभग सेम ही है ना, वही चीज़ें करीबन आपके क्वेश्चन पेपर सेट है, कुछ इसके अंदर बदलाव की बात हैं। आप कल जाके अफसर बन के काम करोगे तो वहां पे भी आपको ये चीजें का नॉलेज होना चाहिए। यदि आदमी को ज्ञान है ना तो उसके आगे संसार को झुकना पड़ता है, चाहे वो कोई भी 30 मार्क का बना हो। तो ज्ञान के आगे जैसे चाणक्य था, तो चाणक्य ने किसको झुका दिया था आपको पता है, पूरे साम्राज्य को झुका दिया था और अपना एक राजा खड़ा कर दिया था। तो वैसे ही ज्ञान की ही पूजा होती है, नहीं तो फिर क्या है, अपनी जो रोडवेज बसे हैं तो उसके अंदर भी फ्री कर रखा है किराया, और जिसके अंदर लोक परिवहन की बसें हैं उसके अंदर तो आपको पता है पेटियों में पैसे लगते हैं, और वहाँ पे पेटियों में पैसे लगने के बाद आपको जेल भी जाना पड़ता है, और प्लस में आप जो आने वाले कोई भी एग्जाम जो है वो नहीं दे पाते। तो इसलिए अपने टैलेंट को इस हिसाब से दिखा रही है, मेहनत कीजिए यार। आप टीवी पर आइए, किस पर आइए, टीवी पर आइए, आप सीसीटीवी पे मत आइए, सीसीटीवी पे मत आइए, यहाँ पे मत आना, आपको टीवी पर आना है। आप ये जो आदेश या कोई भी पारित करोगे तो आपकी चर्चा होनी चाहिए, ये सोना चाहिए। सीसीटीवी के अंदर तो ढूंढना पड़ता है कि भाई ये आदमी कौन था, और यहाँ पे आप खुद निखर के आते हो कि ये आदमी मैं हूँ, तो आपको ये है बनना है, ये वाला नहीं बनना। तो ठीक है दोस्तों, अपना ये अध्याय कंप्लीट हुआ, हम आपके जो भविष्य है उसकी अच्छी कामना करते हैं, और अपने जो क्वेश्चन है मैंने पूरे का पूरा मात्र एक आईक्यू लेवल जो अकेडमी है आपका, आईक्यू लेवल जो अपनी अकेडमी है यहाँ पे एक प्लेटफार्म ऐसा है जिसके ऊपर पूरा का पूरा आपको सिलेबस आरओईओ का पूरा सिलेबस यहाँ पे मिलेगा। आरओईओ का पूरा सिलेबस जो है आपका 100% 100% सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा, और कामना यही है कि आप लोगों का रिजल्ट जो हो वो भी 100% हो, और हमारी जो उम्मीदें और आशाएं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं वो भी पूरी हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय।